इस चैलेंज को, इस टास्क को आप सबको स्वीकारना है। मैं दिल्ली के तीनों मेयर उपस्थित है, पदाधिकारी उपस्थित है, मैं इनके साथ बैठा था और मैंने उनको एक कार्यक्रम बोला है, उन्होंने भी तैयार किया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है कचरा, दिल्ली को कचरा मुक्त बनाकर दिखाइए, आह्वान करिए लोगों को, कचरा दिखाइए, अवार्ड पाइए। दिल्ली में कचरा नहीं दिखना चाहिए। 2 लाख के बस्ती के पीछे हमारा मटन मार्केट हो, फूल सब्जियों का, वेजिटेबल का मार्केट हो, मार्केट की सुविधा पार्किंग से उपलब्ध होनी चाहिए। दिल्ली के रोड पर गाड़ियां दिखनी नहीं चाहिए, जमीन के अंदर या ऊपर कार पार्किंग की, अच्छे पार्किंग प्लाजा बनाकर पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियनों की जो स्मशान भूमिया है वो एकदम ऐसा लगे कि कोई 3 स्टार होटल में है, इतना सुंदर पवित्र परिसर बनाकर लोगों को राहत देना चाहिए कि आखिरी समय जाते समय ऐसे जगह जाओगे जहां जाने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं मैं अच्छे जगह जा रहा हूं। बिजली के बारे में मैंने बताया कि दिल्ली के स्ट्रीट लाइट अच्छे हैं पर उसमें 1 रुपए की अगर बिजली लगती है तो आज पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से BOT पर भी नई टेक्नोलॉजी लाई तो 1 रुपए का बिल 20 पैसे हो सकता है, इंडक्शन ला सकते हैं, LED ला सकते हैं, प्रकाश उससे ज्यादा बढ़ेगा और बिजली का बिल कम होगा, लोगों की भी बचत होगी। गार्डन्स अच्छे हैं, हमारे कॉरपोरेशन ने अच्छे गार्डन बनाए। मैंने कहा कि ये पांचों हमारे प्राइमरी एजुकेशन, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं कभी कभी कॉरपोरेटर को, मेयर को पूछता हूं आपके लड़के कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो नेताओं के लड़के, आप क्या ऐसे नेता नहीं होंगे पर नेताओं के लड़के पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब जनता के लड़के कॉरपोरेशन और जिला पंचायत के स्कूल में पढ़ते हैं, ये ठीक नहीं। हमारी स्कूलें उसी स्टैंडर्ड की बने कि अच्छे से अच्छे लोग अपने लड़कों को कॉरपोरेशन के स्कूल में भेजे। अभी हमारे MLA थे, उनसे मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब से कि हमारे यहां जो गरीब लोग हैं, MRI निकलना पड़ता है, ब्लड बैंक है, ब्लड लगता है, कई कई डायग्नोसिस में एक्सरे निकालना पड़ता है, पैथोलॉजी है, बहुत पैसे लेते हैं। हम ऐसी एक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ ऐसी लेबोरेटरी बनाए कि जहां लोग इमेजिन नहीं कर सकते 10 रुपए और 20 रुपए में एक्सरे मिले, पैथोलॉजी की रिपोर्ट मिले और लेबोरेटरी सबसे स्टैंडर्ड की रहे ताकि गरीबों को लगे कि ये कॉरपोरेशन ने हमारे लिए किया। उन्होंने अच्छी योजना बनाई है और उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी अब वहां के नेताओं की है। देखिए, मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि पद मिलते हैं, सम्मान मिलता है, पद चला जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं, पर आपने किया हुआ काम कभी लोग नहीं भूलते। और इसलिए मैं कुछ, मेरे जीवन में मंत्री था, मैं भूल गया हूं मेरे मंत्री पद को, पर मुझे कभी बड़े से बड़े लोग भी मिलते हैं, अमिताभ बच्चन भी जब भी मुझे मिलते हैं तो याद करते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की जो मैंने बनाया था। अब मैं उसको भूल गया हूं जहां 160 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, मेरा तो जाना आना भी नहीं होता, मैं उस काम को भी भूल गया हूं पर लोग नहीं भूले। और इसलिए हमारे जो लोक प्रतिनिधि है वह ऐसा काम करे कि जनता पार्टी को और हमारे नेताओं को याद करे, इसी को सुशासन कहेंगे। हम ऐसा ई गवर्नेंस कॉरपोरेशन में लाए कि एक भी गरीब व्यक्ति को किसी काम के लिए कॉरपोरेशन के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इंटरनेट के आधार पर डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट उसके घर में जाके उसको मिलेगा। इस प्रकार का सुशासन प्रस्थापित करना, यही अटल जी के जन्मदिन पर आप सब ने आज प्रतिज्ञा ली है। बहनों और भाइयों, हम सब राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। अटल जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए दिया। हमारी विचारधारा, मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 47 के बाद समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद तीनों विचारों की चर्चाएं हुई पर देश की गरीबी दूर नहीं हुई, देश का भविष्य नहीं बदला। NDA के शासन कार्यकाल में अटल जी के नेतृत्व में जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमने, जिसका उल्लेख वेंकैया जी कर रहे थे, कनेक्टिविटी हो, रोड हो, सब बातों में जो काम करके दिखाया है उसको हिंदुस्तान की जनता याद कर रही है। पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी,
ये पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस का है। हमको देश की तस्वीर को बदलना है, देश की गरीबी को नष्ट करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, छुआछूत अस्पृश्यता जातिवाद से मुक्त समाज निर्माण करना है। ये बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, अटल जी के मन को क्या लगा होगा। हम ऐसी कानून व्यवस्था को निर्माण करेंगे कि हमारी मां बहनों के तरफ टेढ़ी नजर से देखने की किसी भी गुंडे की हिम्मत नहीं हो सकती, ऐसी शासन व्यवस्था को निर्माण करें। और इसी बात का, पॉजिटिव बातों का संकल्प आज के सुशासन दिन में हम सबने किया है, इसको और आगे बढ़कर हमको जाना है, देश के भविष्य को बदलना है। और जो संकल्प हमने दोहराया है उसको लेकर हम लोग और शक्ति के साथ पॉजिटिव अप्रोच में आगे जाए। हम विपक्ष हैं, मोर्चे निकालना, घेराव डालना, पुतले फूकना, ये तो हमारा रूटीन काम है, हमारे पास इसका एक्सपर्टाइज है। पर अब केवल निगेटिव बातों पर नहीं, कुछ पॉजिटिव बातों पर कि हम में और कांग्रेस में लिखा है, ये बहुत अच्छा वाक्य है, द डिफरेंस दैट वी मेड, ऐसे 20 किताबें हैं, आप सब इसका अध्ययन करिए। और भारतीय जनता पार्टी ही आज के वर्तमान राजनीतिक स्थिति में इस देश को भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त अगर कोई पार्टी कर सकती है, इस देश की गरीबी को अगर कोई पार्टी दूर कर सकती है, इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कोई पार्टी कर सकती है, इस देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पार्टी निर्माण कर सकती है, इस देश में 24 घंटे बिजली गांव को और शहरों को देने की ताकत किसी पार्टी के विजन में है, तो इस देश का सर्वांगीण कल्याण और विकास करने की क्षमता अगर कौन से पार्टी में है तो उसका जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर जो अटल जी के जन्मदिन पर हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत और शक्ति के साथ हम जीवन में कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। इसी संकल्प को लेकर आज के इस सुशासन दिन पर आप यहां से जाइए। मैं फिर से एक बार अटल जी को अभिवादन करता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देकर मेरा भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद।